हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। विराट कोहली ने पहले टेस्ट मैच में 76 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली। सेंचुरन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत की तरफ से सबसे अच्छी बल्लेबाजी अगर देखी जाए तो विराट कोहली ने की इस टेस्ट मैच में। विराट कोहली ने पहली इनिंग में भी अच्छी बल्लेबाजी की, वहीं दूसरी इनिंग में भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। विराट कोहली के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। विराट कोहली बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और इस टेस्ट मैच में विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी की और साल 2023 में 2000 से ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। इस 76 रनों के बाद विराट कोहली 206 रनों के साथ इस साल 2023 के ईयर में उन्होंने 2006 रन बनाए हैं। बात करें पहले जो 6 सीज़न उनके रहे हैं साल 2012 का, जब पहली बार उन्होंने 2000 से ज़्यादा रन एक साल में बनाए थे 2186 रन, वहीं साल 2014 में उन्होंने 2286 रन बनाए थे और वहीं साल 2016 में 2595 रन। ये वो दौरान था जब विराट कोहली सबसे बेहतरीन फॉर्म में थे। साल 2017 में उन्होंने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की थी कि 2818 रन बनाए थे और 2018 यानी लगातार 3 साल उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर दी, 2735 रन उन्होंने इस साल बनाए थे। और साल 2019 में भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, 2455 रन, यानी लगातार 4 साल उन्होंने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की। साल 2016, साल 2017, साल 2018 और साल 2019, 4 साल उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की कि शायद ही 146 साल के इतिहास में इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी किसी ने की थी। और बात करें इसके साथ विराट कोहली ने साल 2023 में भी अब 2000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, यानी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली है। विराट कोहली के बाद केएल राहुल ने 101 रनों की पारी पहली इनिंग में खेली थी और विराट कोहली ने इस टेस्ट मैच में सबसे अच्छी बल्लेबाजी की। 146 साल के इतिहास में विराट कोहली 7 कैलेंडर ईयर में 2000 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। 1877 से अब तक यानी